हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं का गणित है, ये बच्चों न्यू पैटर्न के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जिसका प्रश्नावली है 3.1, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न एक है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, ये आप देख सकते हो ये सारी आकृतियों को। तो बच्चों, इसमें से आपको बताना है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर कीजिए, यानी कि इन आकृतियों में से आपको बताना है साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कौन सा है और अवतल बहुभुज कौन सा है। तो देखिए बच्चों, साधारण बंद वक्र, साधारण वक्र, साधारण वक्र किसे कहते हैं बच्चों? जैसे कि अगर हम कोई आकृति बनाते हैं और इसमें हमारा पेन ना उठे, ठीक है, जैसे कि हमने ये बनाया, इसमें हमारा पेन नहीं उठ रहा है, आकृति जब पूरी हो गई तभी हमारा इसमें पेन उठ रहा है, जैसे इस तरह से हम ये वाली आकृति बनाते हैं, तो इसमें भी हमारा पेन कब उठा? जब आकृति हमारी पूरी हो गई, तो उसे हम बोलेंगे साधारण वक्र। और जैसे कि ये वाली आकृति दी गई है, अगर हम इसे बनाएंगे ऐसे तो पेन उठ गया, फिर दोबारा बनाएंगे तो पेन उठा इसमें, तो ये साधारण वक्र नहीं है। तो बस इसके बताना है कौन कौन से साधारण वक्र हैं। तो आप देखो बच्चों कौन सा है, ये देखो, ये भी हम डायरेक्ट बिना पेन उठाए बना लेंगे, तो पहला, और ये दूसरा, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा, छठवा और सातवा, ये जितनी आकृति है ये सभी कौन सी साधारण वक्र है। अब नेक्स्ट प्रश्न है साधारण बंद वक्र, यानी कि जो साधारण वक्र तो होना चाहिए लेकिन बंद होना चाहिए। तो देखो, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये दोनों तो है ही नहीं, ये साधारण वक्र, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वही इसका हो जाएगा, दूसरे वाले का, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवा, ये सभी आकृतियाँ कौन सी है? बंद है, मतलब ये खुली नहीं है। देखो बच्चों, ये खुली हुई है, ये बिल्कुल बंद है, तो ये साधारण बंद वक्र हो गई। अब आता है बच्चों बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें बच्चों बहुत सारी भुजाएं हों, ठीक है। अब भुजा किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जो रेखाखंड होते हैं ना, रेखाखंड को हम भुजाएं कहते हैं, मतलब जो आकृति रेखाखंडों से बनी है, जो आकृति किससे बनी है? रेखाखंड से बनी, मतलब वक्र नहीं आना चाहिए उसमें, इस तरह से इसको हम वक्र बोलते हैं, तो ये नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। सिर्फ क्या आना चाहिए? अकेले रेखाखंड आना चाहिए, तो उन्हें हम बहुभुज आकृति बोलेंगे। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी जो है वह बहुभुज है। देखो, एक तो ये हो जाएगी, इसमें भी रेखाखंड से बनी ही है, पहली और दूसरी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी क्योंकि इसमें वक्र आ गया, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, कौन सी होगी? पहली और दूसरी। तो यहाँ लिख लो पहली और दूसरी, ये आकृति कौन सी है? बहुभुज आकृति है। फिर बच्चों डी है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज यानी कि बच्चों जिसके कोण जो है ना बाहर की तरफ हो, कैसे हो? बाहर। तो देखो बच्चों, ये कोण बाहर की तरफ है, इसके इसके अंदर है ये वाला कोण, इस तरह से अंदर की ओर है। एक तो ये परिभाषा हो जाएगी, जिसमें कोण जो है वह बाहर की तरफ हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं, या फिर जिनके अंतर कोणों का योग, यानी कि इनके ये जो कोण है इसका योग कितना होना चाहिए? 180 से कम हो। ये देखिए, ये 180 डिग्री से कम है इसका कोण का योग। अब अगर हम ये कोण बनाते हैं, ये 180 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो यही है उत्तल बहुभुज, यानी कि जिसके कोण जो है वो बाहर की तरफ हो, ठीक है, ये कोण बाहर की तरफ हो और जिसके आंतरिक कोणों का योग कितना हो? 180 से कम हो, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं? उत्तल बहुभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में भी बच्चों वो हो जाएगा जिसके कोण जो है वो अंदर की तरफ हो, ठीक है, तो वो कौन सी आकृति हो जाएगी? अवतल बहुभुज। तो इसमें हो जाएगा बच्चों पहला और ये चौथा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं बच्चों हम। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है सम बहुभुज क्या है, ठीक है, सम बहुभुज क्या है।
एक समबहुभुज का नाम बताइए, मतलब समबहुभुज का नाम बताना है। पहला है जिसमें 3 भुजाएं हैं, चौथा है जिसमें 4 भुजाएं हैं, और छठा है जिसमें 6 भुजाएं हैं। तो पहले बच्चों मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको, समबहुभुज क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण तथा भुजा समान माप के हो। ठीक है, यानी कि जिसके कोण और भुजा कैसे हो, समान माप के हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम बहुभुज कहते हैं। सम बहु भुज कहते हैं। कैसे, देखो बच्चों, यानी कि समान माप के हो, तो ये अगर हम इसे ले लेते हैं तो इसमें कोण भी समान है और भुजाएं भी समान है, ये क्या बन गया बच्चों, हमारा त्रिभुज। 3 भुजाओं का क्या बन गया, त्रिभुज। तो ये क्या है, एक हमारा समबाहु भुज हो जाएगा। इसी तरह से वर्ग, वर्ग भी समान माप का हो जाता है, इसे भी हम क्या बोलेंगे, समबाहु भुज। ये हो गया वर्ग। ठीक है, तो आगे देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखिए बच्चों, पहला समबाहु भुज हमें बताना है जिसकी 3 भुजाएं हों, तो ये बन गया हमारा समबाहु भुज। जिसकी क्या भुजाएं, 3 भुजाएं हों, तो इसे हम बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है, फिर दूसरा जिसकी 4 भुजाएं हों, कितनी भुजाएं हों, 4, तो ये देखिए समान है इसकी भुजाएं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग। ठीक है, फिर तीसरा है जिसमें 6 भुजाएं हों, कितनी हों, 6, तो देखो हम बनाते हैं, ये समान भुजाएं, तो इसे हम बोलेंगे सम षट भुज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर लीजिएगा। तो बच्चों यह प्रश्नावली यही होती है समाप्त। इससे आगे इसमें सवाल नहीं है क्योंकि इसमें कटौती हो गई है सवालों की कुछ। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।